मसला क्या है तुम्हारा? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? ठीक है, तुम्हारा इलाज से मोहल्ले वाले ही करेंगे। भाई जरा बात सुनिएगा, इधर आइएगा। क्या हो भाई, क्या मसला आपके साथ? पीछे हटो। अरे कौन है आप? जानते हो मुझे? मूसा नाम है मेरा, बाप का नाम पीर कुदरतुल्ला शाह। सात नस्लों से हमारे खानदान के पास गद्दी नशीनी है। शहर के बीचों बीच कशाना पीरा के नाम से हवेली है। इतना तारुफ तुम्हारे लिए काफी होगा कि मैं कोई गली का गुंडा आवारा लुच्चा नहीं जो रोज तुम्हारे रास्ते में आकर खड़ा रहता हूँ। इतने मुअज्जज घराने से ताल्लुक रखते हो तुम, ये सब कुछ करना ना तुम्हें जेब नहीं देता। अपने सवाल का जवाब लेने के लिए रोज आता हूँ यहाँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो, पलट कर कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम तो मुझे कोई आशिक लगते हो। चलो पूछो जो पूछना है, बोलो क्या बात है। शादी करोगी मुझसे? बस इतना सा सवाल है तुम्हारा? हाँ। मैं जवाब भी सुन रही, नहीं। क्यों, कोई माकूल वजह बता दो। हसब नसब खानदान पैसा दौलत सब कुछ तो है मेरे पास, इज्जत से आएंगे इज्जत से ब्याह के लेकर जाएंगे। हर चीज की वजह तुम्हें नहीं बता सकती मैं। तुम्हें जवाब सुनना था, मिल गया। मेरा जवाब है नहीं। तुम किसी और को पसंद करती हो? मेरा मतलब है कोई और लड़का है क्या? एक और सवाल, तुमने मुझसे एक सवाल का वादा किया था जो हो गया। कोई और लड़का है? नहीं, नहीं है कोई। यार वे मेरे लूलू चीख पुकार, वे मेरे लूलू चीख पुकार वे। तुम्हें हंसी आ रही है और यहाँ मेरा गुस्से से खून खौल रहा है। यार वैसे बंदा तो मुझे बहुत कमाल का लगा है, ना हेलो ना हाय, सीधा शादी। हाँ जहर लग रहा था मुझे तो वो बात। और शादी के लिए ऐसे प्रपोज किया जैसे कोई ठेले वाला सब्जी बेच रहा हो। ओहो, मतलब अगर वो कुछ ढंग से बात कर लेता तो तुमने हाँ कर देनी थी? हाँ बिल्कुल भी नहीं, और दुआ करो मुझे दोबारा ना मिल जाए वो। अच्छे घर का तो लग रहा था, लेकिन लग रहा था कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं है। दोबारा मिला ना तो ना चाहते भी उसकी बेइज्जती कर बैठूंगी मैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब अपना मूड ठीक करो, अन्ना जी किसी भी वक्त आती होंगी। और आज शाम में चलना है तुमने रियाज साहब की पार्टी पर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे इम्तिहान है उसके बाद देखूंगी। सर में भी दर्द हो रहा है इतना, तब आग आए। चलो कहाँ रहते हो तुम आजकल? कोई खबर है तुम्हारी? हजार काम पड़े हैं, बड़ी सरकार का उस सर पे आ चुका है, कौन करेगा ये सारे इंतजाम? तुम्हें पता है कि ये ईशा के बस की बात नहीं है। बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके जिनके फैसले करने होते हैं, ये खुद से नहीं कर सकता। इसलिए तो इतने अरसे से तुम्हारी जिम्मेदारी लगा रखी है मैंने। जी मैं जानता हूं पापा, आप फिक्र मत करें, मैं सब देखूंगा। फिक्र कैसे नहीं करूं? उर्स के इंतजाम कहां तक पहुंचे कुछ पता है तुम्हें? पिछले एक हफ्ते से तुमने मजार का चक्कर तक नहीं लगाया। कल चला जाऊंगा मैं अब्बा, और वैसे भी नीला गुमत वाले इलाके में इन दिनों में दो चार दफा गया हूं मैं। जी जी अब्बा, भाई आजकल वहीं पाए जाते हैं। बहरहाल मुझे उर्स कमेटी की तरफ से कोई शिकायत मौसूल नहीं होनी चाहिए। जी, और हाँ वो तुम्हारी अम्मा पीर फजल साहब की तरफ जाने का कह रही थी, वो हमने
तुम्हारी और सितारा की बात पक्की करने का सोचा है। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें बताया तो होगा ना? जी नहीं, अम्मा ने पूछ नहीं कहा मुझसे। चलो मैं बता रहा हूं ना, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं अब्बा, मेरे कहने का मतलब है कि माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो क्या बुढ़ापे में जाके करोगे? वैसे भी वो भी सिर्फ निशानी के तौर पे रस्म अदा करना चाह रहे हैं, अभी तो उसके फाइनल इम्तिहान है, 3-4 माह लगेंगे उसको। और एक बात और याद रखो, हमारे अगले गद्दी नशीन तुम हो, और पीर फजल शाह की गद्दी सैकड़ों पीर पे फैली हुई है। ये रिश्ता हमारी भी जरूरत है, और वैसे भी वो लड़की पढ़ी लिखी है, बाहया है, बापर्दा है, अच्छे हंसमुनस वाली है। मगर अब्बा मैं वो, देखो इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें और नहीं मिलेगा। तुम अपने जेहन में ये बात डाल लो, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह तुम इस बार भी हमारी उम्मीद पे पूरे उतरोगे। ईशा तुम आओ मेरे साथ, वो मदरसे साहब वाले मौलवी साहब है। Thank you.